वही जगह जा रहे हैं जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो शिष्यों के साथ वो उपदेश दे रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो दोस्तों ये रहा वो स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध की मूर्ति के पीछे आप देख सकते हो एक ये जो बोधि वृक्ष है, पीपल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये है वो ऐतिहासिक पेड़। दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट सूरज ब्लॉग। तो एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आज मैं फिर से हूँ आप लोगों के सामने, और जिस जगह मैं आज जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा जगह है, इसके बारे में आपको बता। दोस्तों बनारस का एक और नाम है काशी, और इस काशी में बसता है एक बहुत ही खास जगह जिसका नाम है सारनाथ। और आप जानते हो सारनाथ पूरी दुनिया भर में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में बहुत ज़्यादा विदेशी सैलानी जो आते हैं वो यहीं इसी जगह सारनाथ ही आते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से आते हैं यहाँ पर। तो ये जगह जो है ये गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म में चार प्रमुख स्थल है उनमें से एक है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो आज हम लोग का टॉपिक भी वही है, हम लोग वही जगह जा रहे हैं जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो हम लोग यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। पहले कि हम लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था, उससे पहले आप देख सकते हो मेरे पीछे एक ये बहुत ही प्राचीन स्थल है जिसका नाम चौखंडी स्तूप है। ये भी गौतम बुद्ध के समय का ही है और जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। हालांकि मैंने इस पर ब्लॉग बनाया हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, काफ़ी डिटेल है इसमें, तो रास्ते में ये पड़ता है। तो अन्य जो तीन जगह है जो बुद्ध के नाम से बहुत फेमस है वो है लुम्बिनी, बौद्धगया और कुशीनगर, जहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो ये चार जगह है टोटल सारनाथ को ले लिया जाए तो। तो चौखंडी स्तूप अगर आपको जाना है तो यहाँ पर ये जो एंट्रेंस गेट है यहाँ से आपको जाना है, और स्कैन करके आपको यहाँ पर टिकट मिलेगा। 25 से 50 रुपये इसका कुछ टिकट है। तो दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक है वो मैं बताया हूँ जिस जगह के लिए वहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। ये है रास्ते, काफ़ी साफ सुथरा और शांत वातावरण है यहाँ का, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है हमेशा ही। ये सीधा रास्ता चला जाएगा धमेक स्तूप की तरफ जो बहुत ही नामी है, मुख्य मतलब समझ लीजिए वो जगह है। दोस्तों कैंट स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और आपको किराया करीब 15 से 20 रुपये लगेगा यहाँ आने के लिए, 20-25 रुपये लगते हैं टोटल। जगह पे आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा सम्राट अशोक का स्तंभ जो चार सिरों वाला है, उसके अलावा संग्रहालय है, फिर चीनी टेम्पल है, चौखंडी स्तूप है, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर और मूलगंध कुटी, ऐसे करके 8-10 ऐसे जगह है जो यहाँ पर आके आप घूम सकते हो। अभी फ़िलहाल में मैं जिस जगह पे हूँ आपको दिखा दूँ यहाँ की मूर्ति दिखाते चलो, इस पर अलग ब्लॉग मैं बनाऊँगा। तो पहुँचने के पहले हम लोग का एक ये जगह है जहाँ गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है खड़े हुए पोज में। तो मंदिर पहुँचने के पहले मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूँ, इस पर फिर मैं कभी अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। तो दोस्तों ये रहा वो स्टैचू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बता दो दोस्तों ये सब जगह जितने भी सब रास्ते में ही, एक ही रास्ते पे आप इन सभी जगह से होते हुए पहुंचोगे। रास्ते में संग्रहालय, जिस समय मैं यहाँ हूँ इस मूर्ति के उसके अपोजिट साइड म्यूज़ियम है, और करीब 300-400 मीटर दूरी पे छोटा सा चिड़ियाघर और मंदिर जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, ये सभी चीज़ें हैं। तो अब चला जाए आगे की तरफ। सभी जगहों पर जो ब्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं छोटा छोटा क्लिप इस पर बनाते जा रहा हूँ। मुख्य रूप से तो मुझे जाना है उसी जगह जहाँ उपदेश दिया गया है, काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हिस्टोरिकल है। ये रास्ते में कुछ दुकानें, ये सभी तमाम जगह ये टूरिस्ट स्पॉट ही है, बहुत ज़्यादा विदेशी सैलानी इधर आते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो राइट साइड में है वो म्यूज़ियम है, जिसका टिकट आप लोगों को स्कैन करके यहाँ मिलेगा, नहीं तो उसका काउंटर आगे साइड बना हुआ है। तो यहाँ से आपको तमेक स्तूप जाने के लिए और म्यूज़ियम जाने के लिए सभी जगहों के लिए टिकट मिल जाएंगे। यह म्यूज़ियम ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह है वो टिकट के लिए बता रहा हूँ, सब स्कैन करके आपको ऑनलाइन टिकट ही मिलेगा। सब जगह स्कैनिंग दिया है, आप उसको स्कैन करिए और टिकट लीजिए। ये पीछे सब टिकट के लिए हैं। ये जो गेट जाता है दोस्तों, इस समय देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये धमेक स्तूप के लिए चला जाएगा, जहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर हमारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ मिला था। तो इस पर भी मुझे ब्लॉग बनाना, इस पर भी मैं बनाऊँगा। ये जो जगह है, यहाँ के उत्खनन का जो मुख्य काम था वो कनिंघम ने 1835 शक्ति में मुख्य रूप से कराया था, जो आज दुनिया के सामने ये जगह प्रस्तुत है, तो उनका काफ़ी श्रेय जाता है इसका। तो दोस्तों अब ये जो जगह जाएगा वो आप पढ़ सकते हैं, 11वें जैन तीर्थकर भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली है। और ये ठीक सामने जो आप देख रहे हो यही है धमेक स्तूप, हालाँकि ये इसका मुख्य रास्ता नहीं है। छोटी छोटी जानकारी जो रास्ते में दिख रही है उस पर दे रहा हूँ, और मुख्य तो हम लोग का लक्ष्य वहाँ पर है चलने का। सभी पे अगर टॉपिक पे बनाया गया तो करीब 2-2 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। तो जितने भी जगह वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब पे छोटा ना छोटा एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा मैं। से सारनाथ स्टेशन की भी दूरी करीब 2 किलोमीटर होगी जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। मैं फाइनली उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश दिया था। आप पीछे देख सकते हो ये टेंपल है, उसके ही राइट साइड में वो जगह पड़ता है। तो चला जाए अंदर। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहां पर कितने बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे हुए गौतम बुद्ध के। इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी ये अच्छी जगह है और बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। आप सभी लोगों को, जो लोग भी यहाँ सारनाथ तो या बनारस आते हैं, तो ये जगह ज़रूर आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ये छोटा सा फील्ड है, पार्क है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, स्कूल वाले बच्चे, वो अपना थोड़ा सा लंच टाइम या छुट्टी टाइम में जो अगल बगल के हैं वो सभी यहाँ आए हैं, अपना लंच कर रहे हैं। मंदिर में फ़ोटो खींचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नोटिस दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ लिखा फोटोग्राफी तो 20 और वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपये। तो इसका ख्याल रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या करना है। यह टेंपल का कुछ सीन है। क्लिप
मैंने यहाँ पर बना लिया है, और अब जो अंतिम टाइम हम लोग को चलना है उस जगह पे, अब वहाँ चला जाए। तो दोस्तों ये वही गेट है जहाँ ये रास्ता उस जगह पे जाता है जहाँ गौतम बुद्ध द ग्रेट बुद्ध था, जिसे आज दुनिया लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानती है, जिन्होंने पहला उपदेश दिया था यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के। रहते हैं हम लोग अंदर। तो दोस्तों सामने आप ये जो देख रहे हो कितना सुंदर बनाया गया है, आप देखो यहाँ पर ये पांच शिष्यों के साथ वो उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो लेट ना करते हुए हम लोग यही पहले हम लोग शूट करते हैं, फिर अगल बगल के एरिया कवर करेंगे। उनके पांच शिष्य और गौतम बुद्ध, जहाँ उनको दिखाया गया पत्थरों की मूर्तियों के माध्यम से देश देते हुए। बहुत ही शानदार सीन, खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग जरूर अपने लाइफ में एक बार यहाँ जरूर आइएगा। तो आप लोगों ने देखा ये सीन, अब इसके अगल बगल जो मूर्तियाँ हैं वो दिखा दूँ आप लोगों को। मूर्तियों पे ये जो इनका बनाया गया सब पे उनका नाम तक लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की मूर्ति के पीछे आप देख सकते हो एक ये जो बोधि वृक्ष है, पीपल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये है वो ऐतिहासिक पेड़। तो उसके अलावा इधर राइट साइड पत्थरों में पाली भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है, हालांकि हम लोग या जो समझ में आएगा उसी को आएगा। ये पूरा ये काफ़ी अलग अलग भाषाओं में मेरे ख्याल से लिखा है, इसमें जापानी चाइनीज सभी भाषाएं, हाँ इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों इन पत्रों पे गिरा गया है। ये जो अलग अलग भाषाओं में इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आते हैं तो उनको जानकारी हो जाए, इसी वजह से ये तमाम जितने भी अलग अलग पत्थर हैं यहाँ से लगे हुए वो सभी अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। और सामने तो आप जान ही रहिए मंदिर है जिसमें हम लोग अभी गए थे। थोड़ा सा पीछे का सीन जहाँ गौतम बुद्ध है और ये बोधि वृक्ष है उसके पीछे साइड का। तो दोस्तों गौतम बुद्ध पे सारनाथ ये जगह है जहाँ पर पहला उपदेश दिया उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद, और मैंने इस पर ये ब्लॉग बनाया। उम्मीद है जो भी मुझे जानकारी मिली है मैंने उस पर ये डिटेल दिया जितना भी हो सका। तो आप लोग को अगर मौका मिले आप लोग जरूर आइए। अगर आपको अच्छा लगे ये जगह और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तो हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपको किसी दोबारा।